नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं वार्ड नंबर 41 ई से काउंसलर हूं और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर काम कर रहा हूं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो टैक्स माफी का जो प्रस्ताव गलत तरीके से लाया गया है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। दरअसल में बीजेपी एक ऐसे उस पर काम कर रही है कि ये अभी लेकर के आए कि हम सीधा एक हाउस के अंदर एक वो लाए बिल के हम इसको टैक्स को माफ़ कर रहे हैं, जो बढ़ा हुआ टैक्स है हमने बढ़ाया इसको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने वो बिल्कुल नहीं माना, उसको नकार दिया और कहा कि पहले स्थायी समिति से इसको पास करा के लाइए, उसके बाद इस बिल को माना जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का पहले भी एक वो रहा है, हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम टैक्स पूरी तरह से माफ करेंगे, बढ़े हुए टैक्स को नहीं, बल्कि हम 100% हाउस टैक्स जो रेंटल है उसको 100% माफ कर देंगे। हमारा आज भी वही मुद्दा है। कल ईस्ट दिल्ली में हाउस था और उस हाउस के अंदर हमने बिल्कुल पूरी तरह विरोध किया और उनसे कहा कि हाउस टैक्स पूरे तरीके से माफ होना चाहिए, हाउस टैक्स को पूरे तरीके से माफ करिए। और जहां तक रही बात आपके ढोंग की, तो आप ये ढोंग यहां बैठ करके कर रहे हैं कि हम बढ़ा हुआ हाउस टैक्स माफ कर रहे हैं, ब्याज माफ कर रहे हैं, और यहां अधिकारी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नंबर एक, तो कोई भी बिल अगर हाउस में डायरेक्ट लाया जाता है तो कम से कम 72 घंटा पहले सभी काउंसलर्स को उसकी एक प्रतिलिपि देनी होती है, उसकी जानकारी हर काउंसलर को होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ना किसी काउंसलर को उसकी जानकारी दी, अचानक से ये बिल ले आए और ठीक 2 मिनट पहले इन्होंने सभी काउंसलर्स को एक एक प्रतिलिपि हाउस के अंदर उसकी दी। बहरहाल कल वो इन्होंने पास किया, लेकिन वहाँ आयुक्त महोदय ने फिर से कहा कि जब तक स्थायी समिति से ये पास नहीं हो जाएगा हम इसे लागू नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके समक्ष कि बीजेपी ये ढोंग करना बंद करे, ये आपस का नाटक ना करे। तीनों सदनों में बीजेपी का राज है और बीजेपी ये ढोंग ये दिखावा जो कर रही है उससे बाज आए, वरना हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात कह देना चाहते हैं उन्हें फिर से कि हम ये ढोंग बहुत दिन उनका चलने नहीं देंगे, इसे पब्लिक में उजागर कर देंगे, चाहे हमें उसके लिए सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो हम इनका ढोंग बहुत दिन तक नहीं चलने देंगे। ऐसा ही एक बिल साउथ MCD में ये लेकर के आए काउंसलर भत्ते का, उसकी भी प्रतिलिपि किसी काउंसलर को नहीं दी गई। मेरे साथी रमेश मटियाला जी यहाँ मौजूद हैं, साउथ MCD में LOP के तौर पर काम कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वहाँ, तो ये आपको उसके बारे में पूरे तरीके से बताएंगे, जनाब रमेश मटियाला जी। नमस्कार, मैं रमेश मटियाला, वार्ड नंबर 37 से निगम पार्षद और साउथ दिल्ली MCD में नेता विपक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो MCD में भाजपा की सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर ये जो उल्टे सीधे जो प्रस्ताव पास कर रही है ये सचमुच गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और इन बातों के लिए अगर ये हमारी मांग मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो शायद हमें सदन में आवाज़ उठानी पड़े या सदन को भंग करना पड़े या बाहर सड़कों पे प्रदर्शन करना पड़े। इनकी मनमानी चलने नहीं देंगे, क्योंकि जनता के हित के लिए, नागरिक सुविधाओं के लिए जो भी काम होगा हम इनका समर्थन करेंगे, अन्यथा हम इनका घोर विरोध करना भी अच्छे से जानते हैं। इसी प्रकार जैसे भाई साहब ने बताया टैक्स माफ़ी का प्रस्ताव इन्होंने पास करा, बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से साउथ MCD में इन्होंने पटल पर प्रस्तुत ये प्रस्ताव दिया जो कि ये मान्य नहीं है। कम से कम 72 घंटे पहले ये जो पार्षदों का भत्ता और ये तनख्वाह का जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया सभी निगम पार्षदों के पास पहले से पहुंचना चाहिए था। इसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 5,000 प्रति माह देने की इन्होंने ये बात लिखी है जो कि सरासर गलत है। दिल्ली सरकार ने बताया
कि 13,500 कम से कम उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। ये तो इन्हीं के कानून के एक्ट ही ये गलत है, और मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे करते रहेंगे तो हमारी दिल्ली की जनता बहुत जल्दी इनको जवाब देगी, बहुत जल्दी करारा जवाब इनको मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सभी पार्षदों को गुमराह करने के लिए ऐसे मीठे मीठे अच्छे अच्छे ये प्रस्ताव अपनी मनमर्जी से लेकर आते हैं, जो कि वो मान्य ही नहीं है। एमसीडी के अंदर ये जो इन्होंने तनख्वाह का भत्ता का जो इन्होंने ये प्रस्ताव पास किया, ये इनके हाथ में ही नहीं है, इनकी जुडिशियल में ही नहीं है, तो ये ऐसा मनमानी का काम क्यों करते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं इनसे, और आगे भी हम यही कहेंगे, अगर ये जनता की सुविधाओं के लिए अगर काम नहीं करेंगे, दिल्ली की सरकार इनके लिए हर तरीके से समर्थन भी करेगी, इनका साथ भी देगी, लेकिन अगर ये गलत करेंगे तो इनका कड़ा विरोध करना हम जानते हैं अच्छे से। जय हिंद, जय भारत। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, कल हमारा हाउस था, हाउस में वहाँ चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर के एक बात चल रही थी, जिसमें मेरे टोटल टीवी के साथी यहाँ मौजूद हैं, मैंने देखा तो मुझे याद आया, उनके पास कल हाउस की पूरी रिकॉर्डिंग है। हमने उनसे एक सवाल किया, नीमा भगत हमारी मेयर हैं ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, मैंने उनसे एक सवाल किया कि महापौर महोदया, सबसे ज़्यादा जो एडिस है मच्छर का वो आपके वार्ड में मिला है, तो मैंने कहा जब हमारी मेयर का वार्ड सेफ नहीं है तो बाकी काउंसलर्स का क्या होगा? तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा था कि आप अपनी रिकॉर्डिंग में देख लेंगे कि हमने क्या ठेका ले रखा है कि हम लोगों के घर में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है कि तुम्हें वोट देंगे? लोगों ने तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे लुभावने वादों में, तुम्हारे बहकावे में आकर तुम्हें वोट दिया, तुमने लोगों से मीठी मीठी बातें की। तो दोस्त, मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से एक आग्रह है कि आप टोटल टीवी के साथी वहाँ मौजूद थे और उनके पास वो पूरी रिकॉर्डिंग है, उसे निकाल करके देखें और एक बार बताएं कि ठेका उन्होंने ले रखा है या नहीं, ये आप जनता को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।